आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म सागर बुढा। हामी आफ्नो मातृभूमिको लागि निरन्तर बोलिरहेका छौँ र बोलिरहनेछौँ, किनभने भारतको मिचाहा प्रवृत्तिले हाम्रो लिपुलेख, लिम्पिया, धुरा लगायत नेपालको 60,000 हेक्टेयरभन्दा पनि बढी भूभाग उसले आफ्नो क्षेत्रमा पारिसकेको छ र यसैको लागि हामीले आवाज बुलन्द गरिरहेका छौँ। र म लगातार हिन्दीमा भारतका मान्छेहरूले बुझ्ने गरी बोलिरहेको छु, त आज पनि हिन्दीमा बोल्ने छु। अब सुरु गर्छु। नेपालको किस तरह से आगे बढ्न चाहिए कि जो भारत ने कालापानी, लिपुलेख, लिम्पिया, धुरा अपने में शामिल कर लिया है उसको वापस कर पाए और भारत को इंटरनेशनल लेवल पर गिरा सके, तो आज इसी विषय पर मैं बात करूँगा। तो इस समय भारत की संपूर्ण मीडिया, बुद्धिजीवी लगायत सभी लोग नेपाल के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, नेपाल को किस तरह से नीचे गिराएं इसी में लगे हुए हैं। भारत की मीडियाओं को, वहाँ के अच्छे विशिष्ट व्यक्तियों को, वरिष्ठ व्यक्तियों को, बुद्धिजीवी व्यक्तियों को सुनते, देखते, पढ़ते हुए अभी ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। लिपुलेख, कालापानी, लिम्पिया, धुरा नेपाल का भूभाग है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि हमारा भूमि है। लेकिन ये कहना भी स्वाभाविक है, जो झगड़ालू व्यक्ति होता है वो तो कोई कुछ भी कह देता है, वो हमेशा अपने ही पक्ष में बात करता है। और कहे भी तो क्यों ना, उन्होंने सन 1962 से नेपाल की भूमि को यूज़ करते हुए आए हैं, वहाँ पर उन्होंने भौतिक संरचनाएँ बनाए हैं और भी प्रकार की संरचनाएँ बनाए हैं। जिस भूमि का भोग चलन किया गया हो उसे छोड़ने में तो आसानी नहीं होगी, हम कहते हैं आसानी से इसे छोड़कर चले जाओ, ये इतना सहज नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने हाल ही में कहा है कि नेपाल तथ्यहीन बात कर रहा है, कालापानी, लिपुलेख भारत का ही है, नेपाल का नहीं है, वो बिना आधार का बात कर रहा है। लेकिन हो सकता है भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इतिहास को ना पढ़ा हो, या फिर उनके पास ऐतिहासिक दस्तावेज ना हो, या फिर वे झूठ बोल रहे हों, क्योंकि बड़ा देश तो हमेशा बड़ी ही बात करेगा, छोटे देश को दबाने के लिए इस तरीके की बातें करते हो। लेकिन नेपाल के पास यदि भारत चाहता है तो बहुत सारे प्रमाण है, लिपुलेख, कालापानी, लिम्पिया, धुरा नेपाल होने का बहुत सारे प्रमाण है, यदि भारत चाहता है तो दिखाने के लिए नेपाल तैयार है। लेकिन इस समय भारत नेपाल की बात को आधारहीन, अर्थहीन बताता है। न्याय के लिए कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, जनसंख्या के हिसाब से छोटे बड़े हो सकते हैं, भौगोलिक हिसाब से छोटे बड़े हो सकते हैं, विकास में आगे पीछे हो सकते हैं, आर्थिक रूप से आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन न्याय के मामले में छोटे बड़े कभी भी नहीं होते हैं। इसलिए भारत नेपाल को छोटा समझना छोड़ दे। और इस समय भारतीय मीडियाओं का हाल देखिए किस तरह से प्रस्तुत हो रहे हैं। नेपाल के पास में बहुत से प्रमाण है, 4 फरवरी 1817, 22 मार्च 1817, 1997 के जमीन रजिस्ट्री के कागज़ जो कि लिपुलेख, लिम्पिया, धुरा के हैं, और वहाँ पर जो जनगणना की गई थी विक्रम संवत 2018 साल में भैरव रिजाल ने किया था, तो वो सारे, इससे भी और सारे बहुत सारे प्रमाण हैं जो कि कालापानी, लिपुलेख, लिम्पिया, धुरा नेपाल का होने का। इस समय भारतीय मीडिया कुछ इस तरह से प्रस्तुत हो रहे हैं जैसे उन्होंने मानसिक संतुलन खो दिया है। कहते हैं कि लिपुलेख, कालापानी, लिम्पिया, धुरा नेपाल का नहीं है, भारत का है, ये नेपाल ऐसे ही विवाद कर रहा है, नेपाल ने भारत की भूमि को अतिक्रमण कर दिया है, कुछ इस तरह से लोगों में अफवाहें फैला रहे हैं। लेकिन लेकिन मैं कहता हूँ सबसे पहले इतिहास को पढ़ना चाहिए, सत्य तथ्य क्या है अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद में बताना चाहिए किसी को। फिर एक और आरोप लगाया है कि नेपाल किसी के इशारे पर उछल रहा है, ये भारतीय मीडियाओं का बड़प्पन है, कहीं भारत तो किसी के इशारे पर नहीं उछल रहा है। इन सब तथ्यों को देखते हुए तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि जो खुद उछलता है वो दूसरों को भी ऐसा ही देखता है। सन 2015 में मोदी जी जब लिपुलेख, कालापानी, लिम्पिया, धुरा से चीन के साथ में व्यापार समझौता करने गए थे, तो उस समय उन्होंने नेपाल को जानकारी भी नहीं थी, नेपाल की भूमि से ही उन्होंने व्यापार समझौते को किया था। तो अब देखिए स्पष्ट होता है कि कौन उछल रहा है।
नेपाल छोटा है, छोटे राष्ट्र का हक अधिकार छीनना, और फिर जब वो राष्ट्र अपने हक अधिकार के लिए बात उठाए तो किसी के इशारे पर नेपाल उछल रहा है, ऐसा कहना ये भारतीय भाईगिरी नहीं है तो और क्या है। कालापानी लिपुलेख लिम्पिया धुरा नेपाल का होने का नेपाल के पास बहुत से प्रमाण है, इसमें उछलने की क्या बात है। अपने हक अधिकार के लिए तो आवाज़ कोई भी उठाता है। अभी नेपाल सरकार ने हाल ही में नेपाल का मानचित्र प्रकाशित किया है। यह मानचित्र विक्रम संवत 2031 यानी कि विक्रम संवत 2031 में पहले नेपाल में पढ़ाते थे, सभी पाठ्यक्रमों में यह नक्शा शामिल है। फिर बीच में कुछ नेपाल के गद्दारों ने इसे गायब कर दिया था। फिर अभी नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इसे फिर से पुनः प्रकाशित किया है। तो अभी नेपाल सरकार के द्वारा नक्शा ही प्रकाशित करना इतना ही पर्याप्त नहीं है। जो भारत ने अतिक्रमण किया है कालापानी लिपुलेख, उसको वापस लेने के लिए भारत के साथ में बातचीत करना चाहिए, प्रधानमंत्री लेवल पर बातचीत होना चाहिए इस समय, क्योंकि निचले स्तर पर अभी तक कई बार बातचीत हो चुका है लेकिन निचले स्तर वालों ने अभी तक इसका कोई भी नहीं समाधान नहीं निकाल पाए हैं। और ये जो भारत को नेपाल सरकार की ओर से बहुत सारे कूटनीतिक नोट भेजे गए थे, उनका रिस्पॉन्ड नहीं आया। रिस्पॉन्ड नहीं आते ही ये जो बीच में ही इन्होंने कालापानी लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर सड़क का उद्घाटन कर दिया। यह अब नेपाल को दबाने की नीति नहीं है तो और क्या है। अभी कोरोना महामारी के समय में नेपाल के प्रधानमंत्री को भारत के प्रधानमंत्री के साथ में फ़ोन में ही वार्तालाप करना चाहिए, और फिर बाकी का जो वार्तालाप है, कूटनीतिक नीति है, वो कोरोना समाप्त होने के बाद तुरंत इसे शुरू कर देना चाहिए। भारत के सेना प्रमुख ने कहा है कि नेपाल किसी और के द्वारा उछाला जा रहा है। नेपाल की तरफ से बहुत सारे कूटनीतिक नोट भेजे गए हैं, उसके जवाब में उन्होंने ऐसा कहा है। भारत को क्यों सेना प्रमुख को उठाने की ज़रूरत थी? और दूसरी बात कि सड़क उद्घाटन के लिए भारत के रक्षा मंत्री को ही नियुक्त क्यों किया गया? कोई और भी तो कर सकता है। इस तरह से आधारहीन तथ्यहीन बात करने वाला भारतीय सेना प्रमुख हमें यह प्रमाण करके दिखाए कि हम किसी और के द्वारा में उछाले जा रहे हैं। नेपालियों को इतना भी दिमाग नहीं है कि अपनी भूमि कहाँ तक है और अतिक्रमण हुआ है कि नहीं है। अपनी भूमि का अतिक्रमण कर नेपालियों को मालूम नहीं होएगा, इतना भी अक्ल नहीं है। और इस तरह से सेना प्रमुख को उठा करके इस तरह से बात करना, नेपाल को भारत डराना ही तो चाहता है, इसके अलावा और क्या हो सकता है। भारतीय सेना के इस अभिव्यक्ति से नेपाल भारत सेना के संबंध में थोड़ी सी कड़वाहट तो आ गई है। इस कड़वाहट को मिटाने के लिए परसों जो प्रधानमंत्री ने संसद से भारतीय सेना को जवाब दिया था, वही पर्याप्त है। नेपाल की तरफ से नेपाली सेना को उठाने की ज़रूरत नहीं है और नेपाली सेना को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई शराबी व्यक्ति आकर किसी और को पिटाई कर देता है तो फिर जवाब में जिसने शराब नहीं पिया है वो उसे पिटाई करे तो ये उचित नहीं है। सबसे पहले राजनीतिक फिर प्रशासनिक कूटनीति से इसका समाधान करना चाहिए और नेपाल को सेना आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अभी नेपाल की तरफ से बहुत बार कूटनीतिक तरीके से इसका समाधान करने के लिए प्रयास किया गया लेकिन भारत की तरफ से इसका कोई वास्ता नहीं किया गया है। लेकिन अब भारत कहता है कि कूटनीतिक तरीके से इसका समाधान करना चाहिए तो नेपाल को भी कूटनीतिक तरीके से इसका समाधान करना चाहिए। अगर इस कूटनीति से काम नहीं चलता है तो दूसरी प्रकार की कूटनीति अपनानी चाहिए और इस बात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फ्लैश करना चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के देश देखें कि नेपाल आखिर कर क्या रहा है, भारत आखिर क्या कर रहा है, इन दोनों का क्या मामला है वह जान सके। नेपाल को अभी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। भारत को 1 वर्ष 6 महीने इत्यादि अवधि देनी चाहिए ताकि वे भी आंतरिक हिसाब से अपना गृह कार्य कर सके और इस मामले को कूटनीतिक स्तर से समाधान कर सके। अगर भारत कूटनीतिक माध्यम से इसका समाधान निकालने में असमर्थ रहता है, नहीं मानता है कि फिर भी यह हमारी भूमि है, ऐसा कहता है, तथ्यहीन आधारहीन बात करता है, तो नेपाल को दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए, वो है अंतर्राष्ट्रीय अदालत और संयुक्त राष्ट्र संघ। इससे पहले दोनों देश एक आपस में
बैठकर बातचीत करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक हिसाब से, सांस्कृतिक हिसाब से दोनों देशों की संस्कृति मिलती है, दोनों देशों के लोग एक दूसरे देश पर आस्थावान हैं, तो इस भाईचारे को ख़त्म नहीं करना चाहिए, इसे बातचीत से ही सुलझाकर इसका समाधान निकालना ज़रूरी है। भारत के नेताओं, बुद्धिजीवियों और इतिहासकार जो भी हैं, बड़े बड़े व्यक्तियों को देखते हुए, उनकी आदत, उनकी शोभा, उनकी प्रकृति को देखते हुए, ऐसा नहीं लगता है कि कालापानी लेपुलिया कितनी आसानी से नेपाल को वापस मिल जाएगी, लेकिन असंभव भी नहीं है। अगर भारत नहीं मानता है तो अपने साथ में नेपाल को अल्पविकसित देश और बाकी अन्य देशों को एक साथ करके अपने पक्ष में नेपाल को बुलवाना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात उठेगी तो भारत की भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि है, और भारत अपनी छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरने कभी भी नहीं देगा। भारत की अतिक्रमणकारी प्रवृत्ति, दूसरों की भूमि हड़पने वाली प्रवृत्ति, अपने सीमा से लगे सभी देशों का भूमि का अतिक्रमण किया है, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश इत्यादि देशों का सीमा का अतिक्रमण किया है। भारत की अतिक्रमणकारी प्रवृत्ति इस तरीके की है, लेकिन जो इस समय कालापानी लिपुलेख लिम्पिया धुरा का मुद्दा है, इसमें तीनों देशों को बैठकर सुलझाना चाहिए, क्योंकि ये त्रिदेशीय पॉइंट है, त्रिदेशीय बिंदु है। उत्तर में चीन लगता है, दक्षिण पश्चिम में भारत लगता है, फिर पूर्व में नेपाल का जो त्रिदेशीय पॉइंट है, इसको पहले तीनों देश मिलकर बैठकर सुलझाना चाहिए। अगर भी फिर भी नहीं मानता है तो जिन जिन देशों की भूमि का भारत ने अतिक्रमण किया है, वह सारे देश एकजुट होकर भारत पर दबाव बनाना चाहिए, और सारे देश जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे बात उठा के इसका समाधान करना जरूरी है। नेपाल में इस समय सभी राजनीतिक दल, जनताएं एकजुट हो चुके हैं अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी सीमा की रक्षा के लिए। इससे पहले बहुत बार सरकार गिरती थी, बार बार सरकार गिरती थी, इसलिए एकता नहीं थी, और जो भूमि का अतिक्रमण हुए इस पर भी बात नहीं उठता था। इस समय सभी एकजुट हो गए हैं, इस कारण से ये बात उठी है। अब भविष्य में भी क्या इसी तरह के राष्ट्रवाद वाले नेता उत्पादन होंगे? क्या भविष्य में इस तरह से नेपाल में विकास करने वाले, अच्छे सोच वाले व्यक्ति उत्पादन होंगे? तो इसका सरल जवाब है हाँ, क्योंकि जो ये पुराने विचारधारा के लोग ये चले जाएंगे, और नए विचारधारा के लोग, पढ़े लिखे लोग, कुछ विकास करने लायक नई सोच के साथ, नई जोश के साथ में आएंगे, और इस तरीके की भारत की विस्तारवाद नीति नेपाल पर अब लागू नहीं होगी, और नेपाल अपनी सीमा के लिए कुछ भी करेगा, डटकर सामना मुकाबला करेगा। और एक बात, किसी भी छोटे देश को दबाने से कोई भी देश बड़ा नहीं होता है, अपितु उन सभी पड़ोसी देशों के साथ में संबंध अच्छे करके, रिश्ते अच्छे करके आगे बढ़ा जा सकता है, अपना विकास का गति द्रुत गति से अपने देश में विकास होएगा। इस तरह से छोटों को दबाने से, दूसरों की भूमि हड़पने से कभी भी कोई भी बड़ा नहीं होएगा। साथ में मिलकर, साथ साथ में आगे चलकर, एक दूसरे की मदद करके, और इस तरह से सभी देश एकजुट होकर आगे बढ़े तो विकास में चार चांद लग जाएंगे। सभी देशों के साथ में अच्छी सोच और अच्छी भावना होगी, सभी देशों के लोगों को, जो भी मजदूर वर्ग है, छोटे स्तर के लोग हैं, उनके लिए भी कोई प्रकार की समस्या नहीं होगी। आशा करता हूँ कि भारत अब इस मसले को बातचीत के साथ में समाधान करेगा, क्योंकि मोदी जी भी हिंदू नेता है, हिंदू धर्म को मानते हैं। नेपाल में भी पशुपतिनाथ जैसे इत्यादि आदि प्रकार के हिंदू धार्मिक स्थल हैं, और इंडिया में भी बहुत सारे जगह हैं हिंदू धार्मिक स्थल, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे इत्यादि स्थान है। सभी दोनों देशों के संबंध और अच्छे होंगे। इस समाधान को कूटनीतिक तरीके से समाधान करके अब तो सीमा क्षेत्र को लॉक करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से विवाद उत्पन्न होता है दोनों तरफ की सरकारें मिल करके, इसमें तार बाड़ करके, इसका घेराबंदी करके, इसकी सुरक्षा दोनों देशों का, फिर आगे भविष्य में कोई भी विवाद ना हो, इस तरह से दोनों देश करेंगे, यही आशा करता हूँ। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। तो दोस्तों, आप सभी के लिए मेरा एक प्रश्न है, क्या अब नेपाल और भारत के संबंध मजबूत होंगे या फिर बिगड़ जाएंगे? अपना जवाब नीचे कमेंट में लिखना और लाइक ज़रूर करना। फिर अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक खुश रहिए। नमस्ते, जय नेपाल।